आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। इस एक्सरसाइज में हमारे पास 3 फॉर्मूलेज हैं, वो आपको लर्न करने हैं। देखो, जैसे हमारे पास कोई रेखा है ए बी, ठीक है। अगर कोई बिंदु पी इस रेखा को ए और बी के बीच में कहीं विभाजित करता है तो ये हमारा विभाजन कहलाता है अंतः विभाजन। कौन सा विभाजन कहलाता है? अंतः विभाजन। हमारे यहाँ यूज होगा अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य बिंदु, ठीक है। अगर रेखा ए बी है, दो बिंदु हैं और उन दोनों बिंदुओं को एक बिंदु पी सेंटर में विभाजित करता है, जरूरी नहीं है बिल्कुल मध्य में हो, कहीं भी किसी भी रेशियो में विभाजित कर सकते हैं, तो वो हमारा विभाजन कहलाता है अंतः विभाजन। इसी प्रकार हमारे पास कोई रेखा ए बी, अगर बिंदु पी बी के दाईं ओर कहीं विभाजन करे या फिर ए के बाईं ओर कहीं विभाजन करे तो ये विभाजन हमारा कहलाता है बाह्य विभाजन। कौन सा विभाजन होगा? बाह्य विभाजन, ठीक है। रेखा ए बी को बिंदु पी सेंटर में कहीं विभाजित करता है तो विभाजन होगा अंतर विभाजन। अगर बिंदु पी बी के दाईं ओर करे या फिर ए के बाईं ओर विभाजित करे तो वो हमारा विभाजन कहलाता है बाह्य विभाजन। अब हम अंतर विभाजन बाह्य विभाजन के फॉर्मूलों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर विभाजन के फॉर्मूले की। देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें दो बिंदु गिवन होंगे, एक बिंदु x1 y1 और ये बिंदु x2 y2, ठीक है। कोई दो बिंदु है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पे कोई जो बिंदु P है वो इन्हें ये बोल देता है कि m1 रेशियो m2 में विभाजित करता है, अंतर विभाजित करता है। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो, ऐसा आपको सवाल मिलेगा। क्या क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनना, कि दो बिंदु A व B को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु P इस रेखा को m1 रेशियो m2 में अंतर विभाजित करता है तो इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो। निर्देशांक आपको पता है कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x, y। तो हमें इस बिंदु P के यहाँ निर्देशांक ज्ञात करने में इस x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला। देखो, हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, x और y का मान ज्ञात कर रहे हैं। जब x का मान ज्ञात करते हैं तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, m1 दूसरे बिंदु का x निर्देशांक प्लस m2 पहले बिंदु का x निर्देशांक, मीन्स x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो सॉरी m2 x1। देखो, अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो निर्देशांक तो यहाँ x1 x2 यही आएंगे, दोनों बिंदु के निर्देशांक कौन से लेंगे, x अक्ष वाले। और मल्टीप्लाई में क्या होगा, जब हम दूसरे बिंदु x2 ले रहे हैं तो m1 और m2 लेंगे तो x1 अपॉन में इन रेशियो का सम, यानी कि इन अनुपातों का योग, ठीक है। इसी प्रकार से अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला हमारे क्या बनेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में अनुपातों का योग m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये हमारे पास बिंदु P के निर्देशांक आ जाएंगे। बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x, y। हमने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली, x की और y की, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे बिंदु P के निर्देशांक होंगे, ठीक है। अब है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन में भी सेम एज इट इज़ यही फॉर्मूला है, बस चेंज है। तो क्या चेंज है, बाह्य विभाजन में यहाँ साइन प्लस की जगह माइनस, तो ये तो हमारे अंतर विभाजन का फॉर्मूला हुआ। बाह्य विभाजन में क्या होगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, m1
एक्स टू माइनस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन माइनस एम टू, ये तो एक्स की वैल्यू आ गई। और वाई की निकालेंगे तो एम वन वाई टू माइनस एम टू वाई वन अपॉन एम वन माइनस एम टू, ठीक है। तो ये हमारे बाह्य विभाजन के अंदर निर्देशांक ज्ञात करना है और ये हमारे अंतर्विभाजन के अंदर निर्देशांक ज्ञात करना, ठीक है। अब एक और लास्ट फॉर्मूला है, एक लास्ट फॉर्मूला है कि ये कोई रेखा ए बी, ठीक है, ए के निर्देशांक एक्स वन वाई वन, बी के निर्देशांक एक्स टू वाई टू, और इन्हें कोई बिंदु पी विभाजित करता है और वो विभाजन इस प्रकार से कर रहा है कि बिल्कुल इक्वल विभाजन कर रहा है। मतलब अगर इसे दो अनुपात में विभाजित कर रहा है तो इसे भी दो अनुपात में ही विभाजित कर रहा है, सेम विभाजन करना। तो सेम करेगा तो ये इसका क्या होगा, बिल्कुल सेंटर में, मीन्स ये इसका क्या होगा, मध्य बिंदु। तो ये हमारा कौन सा बिंदु, मध्य बिंदु। जब दोनों बिंदुओं को समान अनुपात में विभाजित करे बिंदु पी तो वो हमारा कौन सा बिंदु होगा, मध्य बिंदु, क्योंकि वो बिंदु हमारे सेंटर में होगा। और मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन में टू, यहाँ से तो आएगी एक्स की वैल्यू, पी के निर्देशांक निकाल रहे हैं ना एक्स को वाई, और वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन में टू। तो ये हमारे मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला, ठीक है। तो 9.2 एक्सरसाइज के लिए ओनली आपको ये थ्री फॉर्मूलेज लर्न करने हैं। अंतर विभाजन की बात करें, x का निर्देशांक निकालना है तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। और बाह्य विभाजन की बात करते तो यहाँ साइन चेंज करना है, प्लस है माइनस, प्लस माइनस, ठीक है, ओनली साइन चेंज किए ना, बाकी सेम निर्देशांक में, ठीक है। नेक्स्ट मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x की वैल्यू निकालनी है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब हम एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में विभाजित, अंतर विभाजित करती है। अंतर विभाजित करती है स्पष्ट किया, मीन्स किसका फॉर्मूला लगाना है, अंतर विभाजन का। तो हम मान लेते हैं, माना बिंदु P के निर्देशांक क्या मानेंगे हम, x कोमा वाई। अब देखो हमें जो बिंदु गिवन है, बिंदु A हमें गिवन है 3,5, बिंदु B हमें गिवन है 7,9, और यहाँ कोई बिंदु P हमने माना है, उसके निर्देशांक हमने माने हैं x कोमा वाई। ये बिंदु P इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली इस रेखाखंड को किस रेशियो में विभाजित कर रहे हैं, 2:3, दो अनुपात तीन में, ठीक है, दो अनुपात तीन में विभाजित कर रहे हैं। मैंने इसे बिंदु A लिया और इसे बिंदु B, ये मेरा बिंदु A और ये B, ठीक है। हमें क्या निकालना है कि इन दोनों को मिलाने वाले हैं पॉइंट के निर्देशांक, हमने उस पॉइंट को माना P, इसके निर्देशांक x को मा y, अंतर विभाजित कर रहा है तो अंतर विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे, बिंदु P के निर्देशांक। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, अंतर विभाजन के अंदर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब यहाँ देखो m1 हमें दिया है 2, m2 हमें दिया है 3, और बिंदु A हमारे हम ले लेते हैं x1 y1, बिंदु B के निर्देशांक x2 y2, ये हमारे पास इनकी वैल्यू है, x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू 9, m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 3।
तो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो एक्स इक्वल्स टू एम वन कितना है, टू इंटू एक्स टू की वैल्यू सेवन प्लस एम टू की वैल्यू थ्री इंटू एक्स वन की वैल्यू थ्री अपॉन में एम वन प्लस एम टू मीन्स टू प्लस थ्री। तो एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा, फोर्टीन प्लस नाइन अपॉन में फाइव, एक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी थ्री अपॉन में फाइव। तो ये तो हमारे पास किसके निर्देशांक आ गए, एक्स के। अब हमें किसके निकालने हैं, वाई के। वाई इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन में एम वन प्लस एम टू। तो वाई इक्वल्स टू एम वन की वैल्यू टू वाई टू की वैल्यू नाइन प्लस थ्री इंटू वाई वन की वैल्यू फाइव अपॉन में टू प्लस थ्री। तो y की वैल्यू आ जाएगी 18 प्लस 15 अपॉन में 5, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 33 अपॉन 5। तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, 23 अपॉन 5 कोमा 33 अपॉन 5। ठीक है, ये हमारे पास बिंदु P के निर्देशांक आ गए। समझ में आया, बिल्कुल सिंपल है। हमें x1 y1 x2 y2 m1 m2 की वैल्यू गिवन थी, हमें क्या फाइंड आउट करना था, ओनली बिंदु P के निर्देशांक मीन्स ओनली x कोमा y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, हमारे पास बिंदु P के निर्देशांक आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमें गिवन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को बाह्य विभाजित करता है। क्यों सा विभाजन कर रहा है, बाह्य विभाजन। अब हमें फिक्स नहीं बताया कि बी के दाईं ओर है या ए के बाईं ओर है, तो हम यहाँ मान लेते हैं ये बिंदु पी, इसके हम निर्देशांक मानेंगे एक्स कोमा वाई। क्या लिखेंगे, माना बिंदु पी के निर्देशांक, क्या निर्देशांक है, एक्स कोमा वाई है। किस रेशियो में विभाजित कर रहा है, 7:9। समझ में आया, देखो हमें अब वही बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, बिंदु पी के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो एक्स की वैल्यू फॉर्मूला क्या होगा, इसने ये बोला है बाह्य विभाजन कर रहा है, तो बाह्य विभाजन में फॉर्मूला क्या होता है, एम वन एक्स टू माइनस एम टू एक्स वन अपॉन में एम वन माइनस एम टू। अगर वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, एम वन वाई टू माइनस एम टू वाई वन अपॉन वाई वन माइनस सॉरी एम वन माइनस अपॉन में एम वन माइनस एम टू। ठीक है, क्या था, ये दो बिंदु गिवन है, इन दोनों को कोई बिंदु पी इस अनुपात में बाह्य विभाजन कर रहा है, तो बाह्य विभाजन का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब ये बिंदु हमने क्या लिया, एक्स वन वाई वन, इस बिंदु के निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक एक्स टू वाई टू, और ये हमारे पास क्या है, एम वन रेशियो एम टू। हाँ जी, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एम वन का मान 7 इंटू एक्स टू की वैल्यू है माइनस वन 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 बाई टू माइनस एम टू की वैल्यू 9 इंटू एक्स वन की वैल्यू 5 अपॉन में 7 माइनस 9। एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस आप इसे सही साधारण बिंदु में चेंज करेंगे, 7 इंटू 3 बाई टू माइनस 45 अपॉन में माइनस 2। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 21 बाई टू माइनस 45 अपॉन में माइनस के 2। अब यहाँ अपॉन में 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 हम एलसीएम भी लेंगे, तो एक्स इक्वल्स टू हमारे पास आएगा माइनस 21 माइनस 2 एलसीएम लिया, 2 का 45 से मल्टीप्लाई 90 अपॉन माइनस 2। एक्स इक्वल्स टू माइनस माइनस की संख्या ऐड होगी, माइनस 111, 2 का 2 से मल्टीप्लाई माइनस 4, तो एक्स की वैल्यू आ गई 111 बाई 4।
हाँ जी, अब y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y इक्वल्स टू एम वन की वैल्यू 7 इंटू वाई टू की वैल्यू 4 माइनस 9 इंटू माइनस 2 अपॉन 7 माइनस 9, y इक्वल्स टू 28 प्लस 18 अपॉन माइनस 2, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और 9 टू जा 18, 46 बाय माइनस 2, तो y इक्वल्स टू माइनस 23। तो हमारे पास x की वैल्यू, अब आगे आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 4 का इसमें डिवाइड करोगे तो कितनी वैल्यू है आ जाएगी 27, 3 बाई 4 एक्स की वैल्यू। तो हमारे पास बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए, हम लिख देंगे, अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या है, 27 3 बाई 4 कोमा माइनस 23। तो ये हमारे पास बिंदु P के निर्देशांक। चल नंबर 3 में हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कि ये मूल बिंदु O, मूल बिंदु मीन्स मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, मूल बिंदु O, ये जो दो बिंदु हमें गिवन है A और B, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में अंतः विभाजित करता है। मीन्स हमें इस बार जो बिंदु P के हम हर बार निर्देशांक ज्ञात करते आए हैं, इस बार हमें गिवन है, क्या गिवन है, मूल बिंदु, यानी कि 0,0। तो हमें अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाकर उसके अंदर हमें जो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करते हैं उनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0,0। अगर 0,0 है तो ये मूल बिंदु इन दोनों बिंदुओं को क्या कर रहा है, 1:3 में अंतः विभाजन करता है। तो देखो कि वैल्यू निकालेंगे क्या आएगी, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y की निकालेंगे तो m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास गिवन है m1 m2, ये गिवन है x1 y1, ये गिवन है x2 y2, ठीक है। x इक्वल्स m1 की वैल्यू 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 3, तो x इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 3 अपॉन 4, माइनस प्लस की संख्या कैंसिल, कितना आ गया 0/4 मीन्स 0। y इक्वल्स टू देखो 1 इंटू 9 प्लस 3 इंटू माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3, y इक्वल्स टू 9 माइनस 9 अपॉन 4, y इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास बिंदु O के निर्देशांक क्या आ गए, 0,0 है, अतः सिद्ध होता है कि मूल बिंदु O बिंदु A व B को 1:3 में विभाजित करता है। ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है, क्या लिख देंगे, अतः मूल बिंदु O बिंदु A व B को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में अंतः विभाजन करता है, ठीक है। ये तो हुआ इस क्वेश्चन का वन पार्ट। इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट हमें कह रहा है, मिलाने वाले रेखाखंड को अगर कोई बिंदु बाह्य विभाजन करता है तो बाह्य विभाजन के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। देखो ये तो हमने किया था, अभी मूल बिंदु O के निर्देशांक ज्ञात किए थे, अब हमें यही दो बिंदु हैं इसी अनुपात में विभाजित कर रहा है, लेकिन विभाजन हो रहा है बाह्य, मान लेते हैं यहाँ कहीं, और इस बाह्य विभाजन के बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। अब यहाँ अंतः विभाजन ना होकर कौन सा विभाजन है, बाह्य विभाजन, मीन्स प्लस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, और लिख देंगे बिंदु P के निर्देशांक x,y। तो x इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 3, तो x इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 3 अपॉन माइनस 2, x इक्वल्स टू माइनस 6 बाई माइनस 2, मीन्स x इक्वल्स टू कितना आ गया 3। इधर y इक्वल्स टू देखो 1 मल्टीप्लाई 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3
अपॉन 1 माइनस 3, y इक्वल्स टू 9 प्लस 9 माइनस 2, y इक्वल्स टू 18 बाय माइनस 2, मीन्स y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 9। तो हमारे पास बाह्य विभाजन अगर ये होता है तो फिर उस बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या आते हैं, 3 कोमा माइनस 9। क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मध्य बिंदु के मीन्स मध्य बिंदु हमने माना, लिख देना, माना मध्य बिंदु P के निर्देशांक क्या, x कोमा वाई। मध्य बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो देखो x इक्वल्स टू मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये हमारे लिए x1 y1, ये x2 y2, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 22 प्लस 0 अपॉन 2, तो x इक्वल्स टू 22 अपॉन 2 मीन्स x की वैल्यू 11, ठीक है। अब y के लिए y इक्वल्स टू क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2, y इक्वल्स टू y1 की वैल्यू 20 प्लस 16 अपॉन 2, y इक्वल्स आ गया 36 बाई 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गया हमारे पास, 11 कोमा 18। हम लिखेंगे क्या, स्टार्टिंग लिखेंगे, मानना मध्य बिंदु P के निर्देशांक x कोमा y, फिर मध्य बिंदु के फॉर्मूला अप्लाई करके इसके अंदर वैल्यू पुट करके इसे सोल्व करना है, तो हमारे पास बिंदु के निर्देशांक आ गए 11 कोमा 18। देखो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में क्या है, अब तक हमने जो भी क्वेश्चन किए उसमें हमें x1, y1, x2, y2, m1, m2 इनकी वैल्यू हमें गिवन थी, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो x, y की, यानी कि बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन दोनों बिंदुओं 5, 3 एंड -3, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो x अक्ष और y अक्ष, ये मैंने आपको 9.1 में स्टार्टिंग में बताया था कि जब x अक्ष की बात की जाए तो ध्यान रखना x अक्ष पे y का मान 0 होता है, तो x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक होंगे x, 0, ठीक है। और y अक्ष की बात करें तो y अक्ष पर x की वैल्यू 0 होती है, तो y अक्ष के निर्देशांक होंगे 0, y। ये दो बात आप ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष के द्वारा किस अनुपात में विभाजित किया जा रहा है, यानी कि किस अनुपात में विभाजित किया जा रहा है, मतलब हमें यहाँ अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। बिंदु P है, ये बिंदु कहाँ है, उसने कहाँ बताया, x अक्ष पर। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो इन दोनों को विभाजन कर रहा है कौन कर रहा है, x अक्ष कर रहा है। x अक्ष कर रहा है मीन्स x अक्ष पर निर्देशांक x कोमा 0 होगा, तो हम कहते हैं बिंदु P x कोमा 0 है, तो हम लिखेंगे बिंदु P x कोमा 0 जो हमने लिया है, बिंदु P रेखाखंड को माना, बिंदु P x कोमा 0 रेखाखंड को k अनुपात 1 में अंतर विभाजन करता है, किस अनुपात में विभाजन कर रहे हैं, k अनुपात 1 में। हमें m1 और m2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जब भी हमें अनुपात ज्ञात करना हो उस समय हम अनुपात k अनुपात 1, k रेशियो 1 ही हमेशा लेट करेंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है, हमने इसे लेट कर लिया, ठीक है। अब देखो हमारे पास वैल्यू किस किस की है, x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू है, x2 की, y2 की वैल्यू है, ठीक है। M1, M2 हमारे पास क्या है, 1 k रेशियो 1 है। अब यहाँ x कोमा y का हमारे पास क्या है, x कोमा 0, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
तो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ किसकी वैल्यू गिवन है बिंदु पी के अंदर। देखो ये एक्स को मा वाई होता है, जो बिंदु पी हम हमेशा लेट करते हैं एक्स को मा वाई होता है। हमारे पास यहाँ एक्स की वैल्यू तो एक्स है बट वाई की वैल्यू क्या है? जीरो। हमें किसकी वैल्यू गिवन है? वाई की है। तो हम यहाँ फॉर्मूला किसका लगाएंगे? वाई का। हमारे पास वाई की वैल्यू अब यहाँ कितनी है? जीरो। एम वन की वैल्यू के, वाई टू की वैल्यू माइनस टू, प्लस एम टू की वैल्यू कितनी है? वन इंटू वाई वन की वैल्यू थ्री अपॉन में के प्लस वन। जीरो इक्वल्स टू माइनस टू के प्लस थ्री अपॉन के प्लस वन। के प्लस वन यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो जीरो इक्वल्स टू क्या आ गया? माइनस टू के प्लस थ्री। माइनस टू के प्लस का थ्री लेफ्ट हैंड साइड में इधर आके माइनस थ्री, माइनस से माइनस कैंसिल, के की वैल्यू आ जाएगी थ्री बाई टू। तो हम क्या लिख देंगे कि ये बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? थ्री बाई टू में अंतर विभाजन करता है। हम ये स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे अंतर विभाजन, लास्ट में लिख देंगे। तो ये किस में विभाजन कर रहा है? अंतर विभाजन करता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड वाई अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होते हैं? किस कौन से अक्ष द्वारा? वाई अक्ष द्वारा। तो वाई अक्ष में मैंने बताया था निर्देशांक क्या होंगे? जीरो कोमा वाई, क्योंकि एक्स का मान क्या होता है? जीरो। तो यहाँ जो बिंदु पी है उसके निर्देशांक हमारे पास क्या होंगे? जीरो कोमा वाई, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं को वाई अक्ष द्वारा विभाजित किया जा रहा है। तो जीरो कोमा वाई द्वारा विभाजित किया जा रहा है। किस अनुपात में किया जा रहा है? हमें नहीं पता, हम लेट कर लेते हैं के रेशियो वन में। हम लिख देंगे माना बिंदु पी रेखाखंड को के रेशियो वन में विभाजित करता है। ठीक है, यहाँ एक्स का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बिंदु पी हमारे पास होता है एक्स कोमा वाई, इसके अंदर हमारे पास एक्स की वैल्यू गिवन है। कितनी गिवन है? जीरो। तो एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे जीरो, एम वन की जगह के, एक्स टू की जगह ये हमारा एक्स टू वाई टू, ये एक्स वन वाई वन। फाइव प्लस वन इंटू एक्स वन की वैल्यू टू अपॉन के प्लस वन। जीरो इक्वल्स टू फाइव के प्लस टू अपॉन के प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो बन जाएगा। जीरो इक्वल्स टू क्या आ गया? फाइव के प्लस टू। फाइव के इक्वल्स टू प्लस का टू लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस टू, के की वैल्यू आ गई माइनस टू बाई फाइव। तो हम क्या लिखेंगे? बिंदु पी जीरो कोमा वाई रेखाखंड को दो अनुपात पाँच में कौन सा विभाजन कर रहा है? बाह्य विभाजन करता है। ठीक है, अगर आप बाह्य विभाजन लिख रहे हो तो साइन लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप बाह्य विभाजन नहीं लिखते तो यहाँ साइन भी लिख सकते हो, माइनस टू रेशो फाइव। तो ये आज हमने 9.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1, 2, 6 किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप साइज 6, एक्सरसाइज 7 एंड एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2 कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।